आज हम बात करेंगे ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज जो आपको 2023 में लेनी ज़रूरी है। इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंस की बात करें तो बहुत सारी वीडियोस मैंने चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बोला कि इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोगों ने आपको बोला कि इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी आपको लगता है आपने इंश्योरेंस को एडिक्वेटली प्रॉपरली एनालाइज करके नहीं लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट क्या है? इंश्योरेंस ये है कि जो अपना फाइनेंशियल बर्डन है वो आप इंश्योरेंस कंपनी पे शिफ्ट कर रहे हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे वो गाड़ी की इंश्योरेंस है, घर की इंश्योरेंस है, या किसी भी चीज़ की इंश्योरेंस है। तो आप ये बोल रहे हैं कि अगर ये नुकसान हुआ या ये इंसिडेंट हुआ तो उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो आप अपना जो फाइनेंशियल बर्डन है वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिको और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 17 ईयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ऐसी कौन सी 5 इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं 2023 में लेने के लिए? सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को जीवन बीमा भी कहा जाता है। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली इनकम रिप्लेसमेंट मेथड है। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक इट ऑन माय लाइफ, मेरी लाइफ इंश्योरेंस मतलब मेरे लाइफ का कवर हो रहा है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जो मेरी इनकम रिप्लेसमेंट होगी वो मेरे लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से होगी। मुझे याद है शुरू में जब मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आई थी आज से ऑलमोस्ट 17 साल पहले, तब जब भी हम इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करते थे तो खुद दिन में 10 बारी मरना पड़ता था। बिकॉज जब भी आप जिसको कन्विंस कर रहे हो, आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली का क्या होगा, यही बोलते थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली के लिए इंश्योरेंस का पैसा काम आएगा। सो ये पहली सेल्स टिप सिखाई गई थी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, लाइफ इंश्योरेंस भी अलग अलग तरीके की होती है। सो लाइफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्या है और कौन सी सही है आपके लिए? लाइफ इंश्योरेंस जिसको प्योर इंश्योरेंस बोलते हैं, दैट इज टर्म इंश्योरेंस। मतलब आपने एक टाइम पीरियड के लिए इंश्योरेंस लिया, आप सिर्फ इंश्योरेंस की कॉस्ट पे कर रहे हैं। अगर उस टाइम पीरियड के दौरान डेथ हो जाती है तो सम इंश्योर्ड बेनिफिशियरी को, नॉमिनी को दे दिया जाता है, अदरवाइज देयर इज नो सर्वाइवल बेनिफिट। दूसरा, एंडोमेंट पॉलिसी। मतलब आपने इंश्योरेंस कराई, आप उसका कुछ प्रीमियम पे कर रहे हैं और कुछ टाइम के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको रिटर्न भी देगी। मतलब दो कंडीशंस होती हैं उसमें, अगर डेथ हो गई तो डेथ बेनिफिट, अगर आप सर्वाइव करते हैं तो मैच्योरिटी बेनिफिट दी जाएगी। तीसरी तरह की पॉलिसीज, जो पहले जिन्होंने LIC पॉलिसीज ली होंगी वो रिलेट कर पा रहे होंगे, एंडोमेंट और मनी बैक। तो मनी बैक पॉलिसीज हैं कि कुछ कुछ टाइम के बाद कुछ कुछ अमाउंट आता रहेगा। तो जो देखा कि हमने फर्स्ट जो पॉलिसी है टर्म इंश्योरेंस, दैट इज ओनली प्योर लाइफ इंश्योरेंस, बाकी जितनी भी पॉलिसीज हैं वो रिटर्न के साथ हैं। मतलब उसमें आपको कुछ ना कुछ आपके पैसे की रिटर्न भी मिल रही है, तो उनका प्रीमियम ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम से 10 लाख की हम टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसका प्रीमियम आएगा लगभग 5-6 हजार रुपए साल का। वेयर एज जो हम एंडोमेंट पॉलिसी की बात कर रहे हैं जिसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम आएगा, वहां पे 1 लाख की इंश्योरेंस का प्रीमियम आएगा अप्रॉक्सीमेटली 5,000। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप अपनी एज पे अपने पॉलिसी टेन्योर के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं तो वो डिफर करेगा। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। उसी 5,000 में आप 1 लाख की इंश्योरेंस ले सकते हैं, उसी 5,000 में आपके पास चॉइस है कि 10 लाख की इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि आपको कोई पैसा वापस नहीं आएगा। वॉट इज बेटर फॉर यू? आपके लिए तो बेटर यही है ना कि फैमिली कवर रहे। तो इंश्योरेंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फैमिली सिक्योर्ड रहे, कल को जरूरत पड़ती है आपको तो आपकी फैमिली कवर्ड रहे, उस केस में टर्म इंश्योरेंस आपको हेल्प करती है। अब बात करते हैं कि कितना कवर होना चाहिए, बिकॉज इस पर भी बहुत चर्चा होती है कि ले तो लेंगे लाइफ इंश्योरेंस बट कितनी लें। इस पर बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस पे, आप चेक कर सकते हैं, उसमें सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। बट एक थंब रूल, क्योंकि ये वीडियो में हम समराइज कर रहे हैं, तो थंब रूल अगर आपको देना हो तो आपकी इनकम के 15-20 टाइम्स शुड बी योर टर्म इंश्योरेंस कवर। तो जो भी आप साल में कमाते हैं उसका 15-20 गुना आपका टर्म इंश्योरेंस कवर होना चाहिए टोटल पॉलिसीज का मिला के। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अभी तक नहीं ली है तो मतलब मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान और हेल्थ इंश्योरेंस, भाई सबसे इम्पॉर्टेंट है वो। आई हैव सीन पीपल जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के लिए जिन्होंने लोन उठाया, मैंने पीछे कुछ दिनों में लोगों से बात करी, एनालाइज करा, तो ये भी निकल के आया कि लोगों ने लोन लेके अपना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया बिकॉज उनको पता है कि कल को अगर उनकी हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो उसका बर्डन कहाँ से उठाएंगे। अगर आज पैसा नहीं है तो कल को अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे? तो दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। हेल्थ इंश्योरेंस भी अलग अलग कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, अलग अलग जरूरत के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप रेफर कर सकते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से ही पॉलिसी लीजिए। आप वो पॉलिसी लीजिए जिसमें कोई कैपिंग ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, फुली कवर्ड पॉलिसी हो, इफ्स एंड बट्स ना हो, और आपको पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपरली पता होने चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम अपना मेडिकल डिस्क्लोजर प्रॉपर रखेंगे। जो भी आपकी मेडिकल कंडीशन है प्लीज उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको प्रॉपर इंश्योरेंस कंपनी को बताएं।
नहीं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस लेने का कोई फायदा नहीं होगा। ये मैं रिपीटेडली आई थिंक हर वीडियो में बोलती हूँ बट दोबारा दोहराऊंगी कि साल 2023 में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं या आप पोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी मेडिकल कंडीशन इंश्योरेंस कंपनी को ज़रूर बताएं, नहीं तो आपको ही डिसअपॉइंटमेंट होगी। और बाद में मैं हमेशा कहती हूँ इट इज़ बिटवीन यू एंड इंश्योरेंस कंपनी, बीच में इंश्योरेंस एजेंट भी नहीं होंगे, बीच में दिल भी नो इंटरमीडियरी, बिकॉज अगर आपने ही कुछ छुपाया है तो देन नोबडी कैन एक्चुअली हेल्प यू। लोगों की बातों में मत आएं कि प्लीज सर ये कंडीशन मत बताओ, बहुत सारे ये क्वेश्चंस भी आते हैं मेरे पास, मुझे मेरे इंश्योरेंस एजेंट ने बोला ये छुपा लो, प्लीज़ ऐसा मत करें, आप बता के पॉलिसी करें, नहीं तो उनको प्रॉब्लम क्लेम की आपको ही आने वाली है। और हेल्थ इंश्योरेंस का अगर हम मल्टीपल लेना चाहेंगे कितना एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस है, हाउ मच इज एडिक्वेट, तो जो आपकी इनकम है उसका 5 times शुड बी योर इंश्योरेंस कवर, हेल्थ इंश्योरेंस कवर। तीसरी तरह की इंश्योरेंस बहुत पॉपुलर नहीं है इंडिया में बट आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसीज ऑल्सो, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्रिटिकल इलनेसेस बढ़ती जा रही हैं, क्रिटिकल इलनेसेस ऑल्सो कॉल्ड लिविंग डेथ, क्योंकि क्या है क्रिटिकल इलनेस का सर्वाइवल रेट बढ़ता जा रहा है। पहले क्या होता था, क्रिटिकल इलनेस हुआ जैसे कैंसर जैसी बीमारी तो यूजुअली लोग सर्वाइव नहीं करते थे, तो पता भी नहीं था कि कितना खर्चा होगा। अब क्या है क्रिटिकल इलनेसेस भी बढ़ गए हैं, आप देख रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो रहा है और पता भी लग रहा है, डायग्नोसिस भी है एंड सर्वाइवल रेट भी बढ़ गया, तो सर्वाइवल रेट बढ़ गया तो डेफिनेटली खर्चा होने वाला है। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज दोनों अलग होती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ध्यान रखती है आपका हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंस का, वेयर एज क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी आपको कोई भी क्रिटिकल इलनेस होता है ऑन डायग्नोसिस उसकी पूरी लिस्ट होती है, जब आप पॉलिसी लेते हैं वहाँ पे लिस्ट होती है कि ये क्रिटिकल इलनेस अगर हुए तो आपको इतना बेनिफिट दे दिया जाएगा। तो जो भी सम एश्योर्ड आप चूज करते हैं 5 lakhs, 10, 20, 50 जो भी पॉलिसी चूज कर रहे हैं उतना लमसम बेनिफिट दे दिया जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल के खर्चे तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से निकल जाएंगे लेकिन उसके अलावा बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि अगर आपको सर्जरी के बाद हॉस्पिटल के बाद घर पे आपको नर्स रखनी पड़ी, ठीक है, उसका खर्चा, घर में कुछ चेंजेस कराने पड़े उसका खर्चा, मान लीजिए आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो भी कम होगी तो उसका कॉम्पनसेशन आपको लमसम पेमेंट क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी से हो जाता है। तो ये भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और यंग एज पे लेना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार ये आपको क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाता है तो आप ये पॉलिसी ले नहीं सकते, आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी नहीं देगी, तो ये आपको पहले ही लेना पड़ेगा आज की डेट में अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो। इसका भी कवर एटलीस्ट शुड बी 2 times ऑफ योर एनुअल इनकम, जितनी आपकी कमाई है साल की उसका 2 times तो होना ही चाहिए क्रिटिकल इलनेस कवर। नेक्स्ट इंश्योरेंस विच इज़ पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, ये भी बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं सोच के कि क्या फ़ायदा, तो अगर मैं बताना चाहूँ डेटा पे जाएं तो एक्सीडेंटल डेथ्स सबसे ज़्यादा होती हैं। अगर आप डिटेल्ड वीडियोस मेरी देखेंगे पर्सनल एक्सीडेंट की तो वहाँ पे मैंने रियल लाइफ केस स्टडीज़ भी डाली हुई हैं कि कैसे लोगों को पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी से फ़ायदा हुआ, उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगी। एक्चुअल में जो एक्सीडेंट वर्ड यूज़ करते हैं तो बड़ी नेगेटिव सी कॉनोटेशन आती है कि एक्सीडेंट, सो एक्सीडेंट नीड नॉट नेसेसरली बी ट्रैफिक एक्सीडेंट या रोड एक्सीडेंट या उस तरह का एक्सीडेंट, अगर आप स्लिप कर जाते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सीडेंट, तो कोई भी हादसा उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। तो पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी बेसिकली उसका ध्यान रखती है। तो यहाँ पे पॉपुलर नहीं है, अगर आप आउटसाइड इंडिया देखेंगे हर कंट्री में एक्सीडेंट और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस काफ़ी पॉपुलर है और लोग लेते हैं, उसका भी कॉस्ट बहुत ही कम होता है, मतलब रिस्क आप कॉस्ट निकालेंगे तो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू योर हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस एंड क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी। और कॉस्ट सबसे मजे की बात है, कॉस्ट सेम है, 18 से लेकर 65-70 साल की एज तक प्रीमियम सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं है बिकॉज एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी सबकी सेम है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक्सीडेंटल कवर बेसिकली क्या क्या कवर करता है, 1 एक्सीडेंटल डेथ, 2 परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, 3 टेम्पररी डिसेबिलिटी, 4 टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी वीकली बेनिफिट, जितने भी दिन आप काम पे नहीं जा पा रहे ड्यू टू एक्सीडेंट तो आपको डॉक्टर सर्टिफाई कर देते हैं कि आपको बेड रेस्ट पे रहना है, तो कंपनी आपको एज हाई एज 1 lakh rupees पर वीक भी बेनिफिट देती है विच इज कॉल्ड टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी वीकली बेनिफिट। तो ये पॉलिसीज भी काफ़ी काम आ सकती हैं अगर ऐसा कुछ हुआ। और प्रीमियम की बात करेंगे तो हार्डली ही कुछ प्रीमियम है, सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट फिगर दूंगी, 50 लाख की पॉलिसी पे अप्रॉक्सीमेटली 9,000 rupees प्रीमियम जाता है ऑन पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी, जो कि बहुत कम है, और उसमें आपका टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी भी 1 lakh rupees पर वीक का कवर्ड है। यहाँ पे भी आपके इनकम का कम से कम 3 times कवर होना चाहिए आपके एनुअल इनकम का। फिफ्थ टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो इंपॉर्टेंट है 2023 में लेना और इग्नोर्ड पॉलिसी है, लोग नहीं लेते हैं, जिस दिन अर्थक्वेक आता है तो बोलते हैं कि हमें लेनी है ये इंश्योरेंस पॉलिसी, आप समझ तो गए होंगे, घर का इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस। तो होम इंश्योरेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम कम आता है बट आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है कि मान लीजिए कोई भी नेचुरल कैलॉमिटी हुई उसकी वजह से कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, उसमें फुल रिस्क कवर पॉलिसीज भी आती है, मान लीजिए कोई चोरी हो गई, आग लग गई, तो ये सब जो भी रिस्क हैं ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है।
तो ये भी पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है और प्रीमियम ज्यादा नहीं होता, आपके एरिया के हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होता है, आप क्या क्या कवर करा रहे हैं उस हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होता है, तो इस पॉलिसी को भी कंसिडर जरूर कीजिए। एंड इसमें भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज आती है क्योंकि प्रीमियम कम होता है, तो जनरली लोग तीन पांच साल की पॉलिसी लेके रख लेते हैं सो दैट अगर अगले साल याद नहीं रहा तो। मैं यहाँ पे कार इंश्योरेंस कवर नहीं कर रही हूँ बिकॉज दैट इज समथिंग जो हर कोई लेता ही लेता है, और बहुत सारे लोग ये सोच के लेते हैं कि कार इंश्योरेंस तो कंपलसरी है नहीं तो फाइन होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी होती है, मतलब अगर आपकी कार से किसी को लग गई तो क्या, ओन डैमेज इंश्योरेंस आप अपनी सिक्योरिटी के लिए कराते हैं। अब यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, आप कार इंश्योरेंस कराते हैं जो कि इसलिए करा रहे हैं कि आपकी कार को कोई नुकसान हो गया तो खर्चा कौन भरेगा। आप ये सोचिए अगर ये पांच पॉलिसीज या होम इंश्योरेंस हटा दें, पहली चार पॉलिसीज जो आपकी लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड है, अगर आपको कुछ हुआ तो वो खर्चा कौन उठाएगा। तो ये सोचेंगे, अगर एक बार ये बैठेंगे सोचेंगे तो शायद आपको रियलाइज होगा कि ये पॉलिसीज कितनी इंपॉर्टेंट है कार इंश्योरेंस से भी ज़्यादा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, इनकम माइनस योर एक्सपेंसेस इज सेविंग्स। यूजुअली लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं कि जो इनकम आई उसमें से जो खर्चा कर लिया, जो बच गया उसको सेव कर लेंगे। लेकिन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। सेव करने के बाद जो बचा वो खर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं बोलूंगी सेविंग्स के साथ इंश्योरेंस भी, इनकम माइनस सेविंग्स प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम शुड बी योर एक्सपेंसेस। तो ये दोनों चीज़ें आप पहले से ही अलग कर दें कि ये मेरा सेविंग का कॉम्पोनेंट है, ये मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम्स का कॉम्पोनेंट है, पहले से ही एलोकेट कर दें। तो एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। आप एक्चुअली कमा किस ले रहे हैं, भाग दौड़ किस लिए कर रहे हैं, तो अगर आपको पीस ऑफ माइंड ही नहीं है देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अर्निंग। ये पांच इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट हैं 2023 में। अगर आपने नहीं ली है तो प्लीज लीजिए। सो इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होती है। जो भी क्वेश्चन है आप डाल सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी पे। जाने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। तो कल को प्रॉब्लम, कल थोड़ा सा धीरे इन्वेस्टमेंट्स में यूजली पहले डाल देना है सेक्शन में, वी आर देयर के साथ नए हफ्ते में मिलते हैं आपको।